नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। देश में एक तरफ लॉकडाउन है तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक ऐप की, जहां भारत में टिकटॉक ऐप के टीआरपी बड़ी तेजी से गिर रही है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर बैन टिकटॉक का हैशटैग भी चल रहा है। वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और इसमें शेयर होने वाले वीडियो अक्सर किसी न किसी तरह चर्चा में बने रहते हैं, फिर चाहे मजेदार वीडियो हो या फिर कोई विवादित वीडियो। भारत में इसके लाखों यूजर्स हैं, लेकिन लगातार पिछले कुछ वक्त से इसको देश में बैन करने की मांग हो रही है, जिसकी वजह से टिकटॉक ऐप की टीआरपी इन दिनों तेजी से गिर रही है। एक तरफ जहां कभी टिकटॉक के 4.4 स्टार रेटिंग थे, वही अब बताया जा रहा है कि टिकटॉक ऐप की रेटिंग गिरकर पहले तो 3.8 पहुंची, इसके बाद ये रेटिंग प्ले स्टोर पर 2.3 पहुंच गई। यही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग बैन टिकटॉक का हैशटैग भी चला रहे हैं और ये तेजी से ट्रेंड भी कर रहा है। बता दें कि टिकटॉक को लेकर कंपनी ने पिछले साल बताया था कि टिकटॉक ऐप को भारत ही नहीं दुनिया भर में काफी कम वक्त में काफी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि पहले भी कोर्ट में टिकटॉक को बैन करने को लेकर सुनवाई की जा चुकी है। पिछले साल ऐसी खबरें आने लगी थी कि मानो टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। हालांकि टिकटॉक पर हमेशा ही धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने, एसिड अटैक को बढ़ावा देने, भद्दे कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट को लेकर आरोप लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।